अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, हाउ आर यू। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने सेक्शन 18 तक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 मुकम्मल किया था। आज हम शुरू करेंगे सेक्शन 19 से, वॉइडेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट्स विदाउट फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट किस किस सूरत में नहीं होगी हमने पीछे पढ़ा था, यानी किस किस सूरत में, फ्रॉड की सूरत में नहीं होगी, मिसरिप्रेजेंटेशन की सूरत में नहीं होगी, क्वेश्चन की सूरत में नहीं होगी, अनड्यू इन्फ्लुएंस और मिस्टेक की सूरत में, इन सूरतों में क्या होगी, अगर ये सूरतें पाई जाएं तो वो फ्री कंसेंट नहीं होगी। ये देखें सेक्शन 14 क्वेश्चन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, ये चीजें अगर होंगी कंसेंट में तो वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं होगी। और इसको हमने फर्दन फर्दन डिफाइन भी किया था। और आज हम पढ़ेंगे कि voidability of agreements without free consent। ऊपर पहले भी मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा एग्रीमेंट या एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें फ्री कंसेंट ना हो वो voidable होता है। voidable का मतलब ये है कि जिस शख्स के साथ ज्यादती हुई है, मीन टू से कि इन द कॉन्ट्रैक्ट जिस पार्टी की फ्री कंसेंट नहीं थी, यानी कि जिसकी फ्री कंसेंट नहीं थी, अल्टीमेटली ज्यादती भी उसी के साथ हुई होगी ना, जिसकी फ्री कंसेंट नहीं है उसके ऑप्शन पर ये चीज एक मुश्तमिल है कि वो अगर चाहे तो वो अदालत में उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करवा सकती है वो पार्टी। अगर वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वो कैरी ऑन भी कर सकती है, यानी उसको मुकम्मल भी कर सकती है। वॉइड वो कॉन्ट्रैक्ट या वो एग्रीमेंट होता है जो सिरे से इलीगल हो, उसका कोई वजूद ही ना हो, जबकि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में बाकी सारे रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं। एक चीज उसमें कम होती है वो है फ्री कंसेंट, यानी पार्टी की फ्री कंसेंट एक पार्टी की नहीं होती तो वो होता है जी वॉइडेबल। वॉइडेबल उसको इसीलिए कहा गया है कि वो वॉइड डिक्लेयर करवाए जाने के काबिल होता है, यानी वॉइडेबल उसको वॉइड डिक्लेयर करवाया जा सकता है। वो पार्टी जिसकी अग्रीव्ड पार्टी है, जिसकी कंसेंट फ्री नहीं थी, वो उसको वॉइड डिक्लेयर करवा सकती है। वॉइडेबल ऑफ एग्रीमेंट्स विदाउट फ्री कंसेंट, अगर फ्री कंसेंट नहीं होगी तो जिस पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं थी वो उन एग्रीमेंट्स को जाकर अदालत में वॉइड यानी इलीगल एब इनिशियो वॉइड, यानी कि उनकी कोई हैसियत नहीं है लीगली, उनको ये जाकर वॉइड डिक्लेयर करवा सकती है। व्हेन कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय क्वेश्चन, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, द एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट voidable at the option of the party whose consent was so cast। यानी किस पार्टी के ऑप्शन पर वो voidable है, उस पार्टी के ऑप्शन पर वो voidable होगा जिसकी कंसेंट फ्री नहीं थी, जिसकी कंसेंट क्वेश्चन के जरिए, मिसरिप्रेजेंटेशन के जरिए या किसी और जरिए से, यानी कि फ्री कंसेंट नहीं थी बजरिया क्वेश्चन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या अनड्यू इन्फ्लुएंस उसकी कंसेंट ली गई, लिहाजा जिस पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं थी वो अदालत में जाकर उसको void declare करवा सकती है। A party to a contract whose consent was caused by fraud or misrepresentation may, if he thinks fit, insist that the contract shall be performed। वो इस बात पर भी insist कर सकती है, यानी इस बात पर जोर दे सकती है कि contract को perform किया जाए। कौन सी party? वो party जिसकी consent free में नहीं थी, जिसकी consent free नहीं थी वो party उस contract को perform भी करवा सकती है। उसका option, यानी उस party क्या क्या है, ये contract act उस party को option मुहैया करता है कि either you are willing to perform the contract or you are willing to declare it void। यानी contract act उसको option देता है कि क्या आप contract को perform करना चाहते हैं या इस contract को void declare, यानी गैर कानूनी declare करवाना चाहते हैं, तो वो उस पार्टी का option है। यानी वो पार्टी जिसकी consent फ्री consent नहीं थी वो insist भी कर सकती है that the contract shall be performed, कि contract को perform किया जाए, and that he shall be put in the position in which he would have been if the representation made had been true। ठीक है, वो एक ऐसी position में भी उस पूरे contract को ला सकती है वो party, कि जैसा कि कोई उसमें इस किस्म की यानी कि fault मौजूद नहीं है। यानी मुख्तसरन दूसरे लफ्जों में, अगर कोई party जिसकी consent free consent नहीं थी वो अदालत में जाकर या तो उस contract को void declare करवा सकती है या उस कॉन्ट्रैक्ट को वो लीगल डिक्लेयर करवाकर उसको परफॉर्म करवा सकती है। जब वो लीगल डिक्लेयर करवाकर उसको परफॉर्म करवा देगी तो इसका मतलब यह है कि उस कॉन्ट्रैक्ट में किसी किस्म का कोई फलाह, किसी किस्म का कोई डिफिशेंसी, कोई लीगली रिक्वायरमेंट कोई ऐसी नहीं है
जो बाकी रह गई हो, यानी उस कॉन्ट्रैक्ट को मुकम्मल तौर पर लीगल ही समझा जाएगा। एक्सेप्शन क्या जी, इफ सच कंसेंट वाज कॉज्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन और बाय साइलेंस फ्रॉडुलेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 17। सेक्शन 17 में जो एक साइलेंस का जिक्र किया गया था कि अगर एक बंदा जो है अगर वो खामोश रहता है, ठीक है, ये साइलेंस का ये एक्सप्लेनेशन, मेयर साइलेंस एज टू द फैक्ट्स लाइकली टू अफेक्ट द विलिंगनेस ऑफ पर्सन टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फ्रॉड। अगर एक बंदे से पूछता है कि जी जो घोड़ा आप मुझे बेच रहे हैं वो क्या पागल तो नहीं है, ठीक है, हालांकि घोड़ा क्या है, घोड़ा पागल है, ठीक है, तो जो मालिक घोड़े का जो मालिक है ना वो खामोश रहता है, वो क्या रहता है, वो खामोश रहता है, वो नहीं बोलता, क्वेश्चन का जवाब देने के लिए नहीं बोलता। तो अच्छा, इसमें क्या दिया गया जी एक्सप्लेनेशन में, एक्सेप्शन में, अच्छा वो अगर मालिक खामोश रहता है नहीं बोलता और जो खरीदार है घोड़े का खरीदार है उसके पास रीजनेबल एक वसाइल हैं, सोर्सेज हैं कि वो पता करवा सकता है कि क्या घोड़ा पागल है या नहीं है, यानी उसके पास खरीदार, कुछ खरीदार की जिम्मेदारियां भी तो होती है ना, खरीदार ये तो नहीं कह सकता कि आंखें बंद करके वो मालिक से, मालिक जो कहे वो उस पर एतबार कर ले, ये तो गलत बात है ना। तो कैविट अटेम्प्टर का, आपने एम्प्टर का वो रूल सुन रखा होगा कि मुश्तरी होशियारबाश, यानी कि जो खरीदार होता है उसको खुद को होशियारबाश रहना चाहिए। ये यहाँ पर उसने बात की है कि अगर उसके खरीदार के पास रीजनेबल सोर्सेज हों मालूमात लेने की और अगर वो मालूमात नहीं लेता तो इस सूरत में कंट्रैक्ट वाइड नहीं होगा, फ्री कंसेंट की बुनियाद पर कि कंसेंट फ्री नहीं थी, मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड हो गया हमारे साथ एटसेट्रा। तो अगर खरीदार के पास ऑप्शन है कि वो मालूमात वसूल कर सकता है तो उसको वसूल करनी चाहिए। एक्सेप्शन इफ सच कंसेंट वाज कॉज्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन और बाय साइलेंस फ्रॉडुलेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 17 द कॉन्ट्रैक्ट नेवरदलेस इज नॉट वॉइडेबल इफ पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉज्ड एंड द मीनिंग्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रुथ विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस। डिलीजेंस कोशिश होती है, ऑर्डिनरी मतलब मामूली, मामूल के मुताबिक किसी शख्स से पूछ सकता है, किसी को फोन कर सकता है, किसी से मालूमात ले सकता है, ठीक है, और घोड़े की एक या किसी भी चीज की वो एक उसका बैकग्राउंड जान सकता है कि ये कहाँ से आई है, किधर से आई है, किस शख्स के पास से आई है, ये लीगल है इलीगल है, ये इसकी सेहत कैसी है, इसकी इंजन कैसा है, मतलब एटसेट्रा जो भी है, यानी उसके पास एक अख्तियार है कि वो मालूमात वसूल कर सकता है। अगर खरीदार मालूमात का वसायल होने के बावजूद ऑर्डिनरी डेलीजेंस, यानी कि एक मामूल की बात है जिसे हर बंदा, यानी कि अगर जैसा कि आप कोई मोटरसाइकिल लेने जाएं तो उसके आप कागजात देखते हैं ना कि कागजात, इसका इंजन नंबर, चेसिस नंबर, ये सारे आपस में मिलते हैं या नहीं मिलते, ये एक मॉडल कौन सा है, ठीक है, अगर कागजात पर रंग रेड लिखा हुआ है और मोटरसाइकिल जो है वो ब्लैक कलर में खड़ा है तो आप ये जरूर सवाल करेंगे कि इधर तो रेड लिखा हुआ है तो ये काले कलर में क्यों खड़ा है भाई, और इस तरह, यानी कि ये तो एक मामू, ये ऑर्डिनरी डेलीजेंस है, ठीक है, इस हर बंदा इसका ख्याल करता है, एक ऐसी बात जिसका हर बंदा ख्याल करता है, अगर कोई ऐसी बात मिस हो जाए तो वो, अगर वो ऐसी बात मिस हो जाए तो उसको कोई ला तहफुज नहीं देता, ठीक है, यानी कि खरीदार की अपनी भी तो जिम्मेदारी है ना कि वो चेक पड़ताल करे। तो अगर इस सूरत में, हाँ, एक दूसरी बात यह है कि अगर मालिक, उससे पूछा गया कि घोड़ा क्या पागल तो नहीं है, तो अगर मालिक खामोश रहा तो हाँ, अब मालिक के अलावा कोई शख्स ऐसा नहीं जिसको इलम हो कि घोड़ा पागल है, ठीक है, और कोई शख्स खरीदार को, जो खरीदने वाला है, बायर है, उसको ये नहीं बता सकता कि घोड़ा पागल है, यानी कि खरीदार किसी भी सोर्स के जरिए ये पता नहीं कर सकता कि क्या घोड़ा पागल है या नहीं पागल। अब जो मालिक है ना घोड़े का, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको बताए कि घोड़ा पागल है। अगर वो उस घोड़े के पागलपन का अंदाजा खरीदार इर्द गिर्द से या किसी और दीगर सोर्स से इजली उसका पता लगा सकता है और मालिक घोड़े का जो है वो खामोश रहता है, तो यहां पर जो खामोशी है मालिक घोड़े की वो इलीगल नहीं है, यहां पर जिम्मेदारी ऐद हो जाती है फिर खरीदार पर, क्यों कि खरीदार के पास रिसोर्सेज हैं, वो पता कर सकता था, उसने पता नहीं किया, सो दैट्स वाई वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर नहीं करवा सकता। एक्सप्लेनेशन के लिए, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन विच डिड नॉट कॉज द कंसेंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द पार्टी ऑन होम सच फ्रॉड वॉज प्रैक्टिस और टू होम सच मिस रिप्रेजेंटेशन वॉज मेड डज नॉट रेंडर टू अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल, ठीक है जी। इसमें यह कहा गया है कि एक ऐसी फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन जो उस मुतलका कॉन्ट्रैक्ट को इफेक्ट ना करे,
यानी कि मैं आपको बताता हूँ कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा दो पार्टीज के माबैन, ठीक है। पार्टी अब क्या करती है, पार्टी ने अब फ्रॉड किया, ठीक है। फ्रॉड ये किया कि गाड़ी के जो टायर है ना, टायर वो बिल्कुल ठीक है। ये उसने पार्टी ने अपनी तरफ से क्या किया, फ्रॉड किया। तो हालांकि टायर बिल्कुल ठीक थे, टायर थे भी ठीक, लेकिन जो जो सेलर है यानी कि वो गाड़ी बेचने वाला जो शख्स है, उसने नियतन फ्रॉड किया है। वो सेलर ये समझ रहा था कि शायद गाड़ी के टायर ठीक नहीं है, गाड़ी के टायर ठीक नहीं है। उसने इंटेंशनली फ्रॉड तो किया है, लेकिन अगली पार्टी को फ्रॉड ने इफेक्ट नहीं किया। क्यों कि टायर तो बिल्कुल ठीक थे, यानी कि यहां पर फ्रॉड तो हुआ है, उसने इंटेंशनली फ्रॉड तो किया है, लेकिन अगली पार्टी उसे इफेक्ट नहीं हुई। क्यों, टायर ठीक थे। तो इसी तरह के और भी आप एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसा कि एक एक बंदे के पास दो घोड़े हैं, एक का रंग जो है सुर्ख है, दूसरे का रंग क्या है, सफेद है। तो सेलर जो है, मालिक घोड़े का है, वो सुर्ख घोड़ा बेचना चाहता है। मैं जाता हूं उसके पास खरीदने के लिए, मैं कहता हूँ जी वो सुर्ख घोड़ा फर्ज किया कि पागल है, वो सुर्ख घोड़ा क्या है, पागल है। तो मैं कहता हूँ जी मैंने घोड़ा लेना है आपसे, वो कहता जी ये सुर्ख ले लें, उसको तो पता है कि पागल है, वो मुझे फ्रॉड करना चाह रहा है, धोखा देना चाह रहा है। दोनों घोड़ों की कीमत एक जैसी है, ठीक है। उस मालिक ने दोनों घोड़े एक ही कीमत में लिए थे। तो मैं कहता हूँ जी नहीं, 5 लाख इसका मुझे आप मांग रहे हैं मुझसे, तो मैं 5 लाख में आपका ना ये सफेद घोड़ा ले लेता हूँ, ठीक है। वो कहता जी जी सफेद घोड़ा ले लें, ठीक है। सफेद घोड़ा लेने के बाद क्या हुआ, मैं फ्रॉड से इफेक्ट हुआ, मैं तो फ्रॉड से इफेक्ट नहीं हुआ। क्यों, फ्रॉड तो था उस सुर्ख घोड़े में, मालिक मकान मुझे मालिक घोड़े का मालिक मुझे फ्रॉड करना चाह रहा था, उस रेड कलर के घोड़े में फ्रॉड था, ठीक है। मालिक की तरफ से तो फ्रॉड कमिट हो गया, उसकी इंटेंशन उसने कमिट कर दिया, लेकिन मुझे उसका इफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। बात की समझ आ गई। इस किस्म की आप कोई और भी एग्जांपल दे सकते हैं कि एक ऐसी पोजीशन जिसमें अगला बंदा, अगली पार्टी फ्रॉड तो करे, अ फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन व्हिच डिड नॉट कॉज द कंसेंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द पार्टी ऑन हुम सच फ्रॉड वाज प्रैक्टिस और टू हुम सच मिस रिप्रेजेंटेशन वाज मेड डज नॉट रेंडर टू अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल। ये सारी मिसालें हैं जी, इजिली, बिल्कुल इजिली हैं, बिल्कुल इजिली हैं, ये आप सारी पढ़ लें, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आ जाएगी। अगर आपको समझ रहा है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको उसका पूरा रिस्पांस दूंगा। सेक्शन 19 ए, पावर टू सेट असाइड कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। व्हेन कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, द एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉज्ड। अनड्यू इन्फ्लुएंस का भी यही हाल है कि जिस पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से, तो वो पार्टी जिसके साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है वो उसको क्या करवा सकती है, वो उसको वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकती है। वो ये उस पार्टी का ऑप्शन है। एनी सच कॉन्ट्रैक्ट मे बी सेट असाइड इधर एब्सोल्युटली और इफ द पार्टी हु वाज एंटाइटल्ड टू अवॉइड इट हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट देयर अंडर अपॉन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज टू द कोर्ट मे सीम जस्ट। यानी कि ये पार्टी पार्टी जिसकी कंसेंट जो है वो फ्री नहीं थी, अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया, वो या तो उस कॉन्ट्रैक्ट को मुकम्मल तौर पर सेट असाइड करवा सकती है, या फिर वो जिस हद तक कोई बेनिफिट ले चुकी है। मसलन मसलन मैं आपको देता हूँ, एक मालिक है, एक उसका ड्राइवर है। मालिक उस ड्राइवर से एक घड़ी खरीदता है, घड़ी बैरून मुल्क की है, बहुत महंगी घड़ी है, ठीक, सोने की घड़ी है, फर्ज किया 2 लाख की वो घड़ी है। वो मालिक उससे 50,000 में खरीद लेता है, ठीक है। 50,000 उस शख्स को दे दिया और गाड़ी उससे ले ली अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से, क्योंकि वो मालिक है और वो उसका ड्राइवर है, ड्राइवर बेचारा क्या कर सकता था। तो अब क्या है, अब ड्राइवर के ऑप्शन पर है, या तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट को एब्सोल्युटली यानी मुकम्मल तौर पर वो सेट असाइड करवा दे, या फिर वो ये भी कर सकता है कि ये 50,000 की हद तक मुझे ये कबूल है और ये 1.5 लाख है ना गाड़ी का मजीद, वो मुझे दिलवाया जाए। यानी कि ये उसके पास दो ऑप्शन है, या तो उस कॉन्ट्रैक्ट को मुकम्मल तौर पर सेट असाइड करवा सकता है, या फिर वो ये कह सकता है कि 50,000 ऑलरेडी मेरे पास आ चुके हैं और मुझे वो 1.5 लाख भी दिलवाया जाए, ठीक है। ये उसका ऑप्शन है, किसका, ड्राइवर का, क्योंकि उसकी साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था
वो अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से किया गया था। तो इलस्ट्रेशन इसकी पढ़ लेते हैं। ए सन हैज फोर्ज्ड बीज नेम टू प्रॉमिसरी नोट, बी अंडर थ्रेट ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ए सन ऑब्टेन्स अ बॉन्ड फ्रॉम ए फॉर द अमाउंट ऑफ द फोर्ज्ड नोट, इफ बी सूज ऑन हिज बॉन्ड द कोर्ट में सेट द बॉन्ड असाइड। बात की समझ आ गई। देखें, ए का एक सन हैज फोर्ज्ड बीज नेम टू द प्रॉमिसरी नोट, यानी कि प्रॉमिसरी नोट के ऊपर बी का जो नाम था उसको उसने खत्म कर दिया है, उसकी जगह पर किसी और का नाम लिख दिया है। बी अंडर थ्रेट ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ए सन, ठीक है, बी ने थ्रेट किया ए के बेटे को कि मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। ऑब्टेन्स अ बॉन्ड फ्रॉम ए फॉर द अमाउंट ऑफ द फोर्ज नोट, यानी कि जितनी नोट या जितनी कीमत का वो प्रॉमिसरी नोट था ना, उतनी कीमत वो ए से ले लेता है इस थ्रेट को देकर। यानी कि मामला किसने किया था? मामला तो ए के बेटे ने किया था, ए के बेटे ने फोर्ज किया था उसका नेम बी का। फोर्ज का मतलब क्या है? यानी कि मिटा देना या उसकी जगह पर कोई और नाम लिख देना या उसमें कोई गड़बड़ कर देना। तो ये मामला तो ए के बेटे ने किया था, लेकिन बी ने थ्रेट किया ए को, ए से उसने उस उतनी कीमत की जो है ना वो नोट ले लिए, पैसे ले लिए। इफ बी सूज ऑन दिस बॉन्ड द कोर्ट में सेट असाइड द बॉन्ड असाइड, यानी कि अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये भी एक अनड्यू इन्फ्लुएंस है कि उसको ब्लैकमेल करके, ए के बेटे ने गलती की थी बी के किसी प्रॉमिसरी नोट के ऊपर, बी ने कहा कि जनाब, ए को कहा कि तेरे बेटे ने मेरे साथ ये किया है, अगर आप मुझे ये नहीं करेंगे तो मैं आपके खिलाफ दावा करूंगा। तो ए जो है वो बेचारा कोई सादा आदमी था, उसने बी को उतनी रकम दे दी जितनी वो डिमांड कर रहा था। तो अब क्या है, अब अगर ए जाता है अदालत में और अगर बी सू करता है इस बांड पर, तो कोर्ट उसको क्या कर देगी? कोर्ट उसको सेट असाइड कर देगी, यानी खत्म कर देगी। ठीक है, क्यों क्यों खत्म सेट असाइड कर देगी? क्योंकि इसमें जो ए की मर्जी ली गई थी वो फ्री कंसेंट नहीं थी, उसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस आ गया था। एग्रीमेंट वाइड वेयर बोथ पार्टीज आर अंडर मिस्टेक एज टू द मैटर ऑफ फैक्ट, अगर दोनों पार्टीज मिस्टेक की वजह से, दोनों पार्टीज जो है मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से आपस में कोई एग्रीमेंट कर बैठे, तो वो क्या होगा? वो एग्रीमेंट क्या होगा? वो एग्रीमेंट वायड होगा। ठीक है, वेयर बोथ द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट आर अंडर अ मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू द एग्रीमेंट, द एग्रीमेंट इज वायड एंड एरोनियस ओपिनियन एज टू द वैल्यू ऑफ द थिंग व्हिच फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर, द एग्रीमेंट इज नॉट टू बी डीम्ड अ मिस्टेक एज टू द मैटर ऑफ फैक्ट। यानी कि इन्होंने यहाँ पर यह क्लियर कर दिया है कि जो चीज़ की प्राइस होगी ना, प्राइस, वो उसमें आप मैटर ऑफ फैक्ट, मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट उसको नहीं कह सकते, मिस्टेक ऑफ फैक्ट उसको नहीं कहेंगे, लेकिन प्राइस के हवाले से। इलस्ट्रेशन पढ़ें जी। ए एग्रीज टू सेल टू बी अ स्पेसिफिक कार्गो ऑफ गुड्स सपोज टू बी ऑन इट्स वे फ्रॉम इंग्लैंड टू कराची, इट टर्न्स आउट दैट बिफोर द डे ऑफ द बर्गेन द शिप कन्वेइंग द कार्गो हैड बीन कॉस्ट अवे एंड द गुड्स लॉस्ट, नीदर पार्टी वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट, द एग्रीमेंट इज वॉइड। देखें, ए और बी का आपस में मुआहदा होता है कि इंग्लैंड से मेरा एक जहाज आ रहा है, उसमें इतनी 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 इतना सामान है, वो उसने कराची में आकर उसने लैंड करना है। तो जरा जहाज जो है वो एक जो एरोप्लेन जो है वो शिप जो है शिप सॉरी शिप बहरी जहाज को कहते हैं और एरोप्लेन जो है वो हवाई जहाज होता है। शिप जो है वो किसी रस्ते में किसी हादसे का सबब बनकर वो ज़ाया हो गया, तबाह हो गया। ठीक है, अब दोनों पार्टी के दरमियान एक मुआहदा हो चुका था कि मैं 5 लाख में आपकी जो वो सामान आ रहा है ना इंग्लैंड से वो मैं लूंगा। तो अब जहाज बंदरगाह पर पहुंचा ही नहीं, बंदरगाह से पहुंचने से पहले ही वो कहीं पर तबाह हो गया। तो क्या था ये इस, यानी कि इस फैक्ट के मुतल्लिक दोनों पार्टीज अनअवेयर थी। किसी को गैब कलम होता है? गैब कलम किसी के पास भी नहीं होता। तो जहाज जब रास्ते में तबाह हो गया तो दोनों पार्टीज ने जो मुआहदा किया था वो मुआहदा वाइड हो गया। क्यों? कि वो जहाज तबाह हो गया। ठीक है, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, जहाज तबाह हो गया। तो जिस शख्स ने पैसे दिए थे उसने पैसे तो सामान के दिए थे, सामान अगर रस्ते में उसका तबाह हो गया तो वो तो जिम्मेदार नहीं है पैसे देने वाला, और ना ही वो उसकी कोई जिम्मेदारी है। उसकी इतनी जिम्मेदारी है कि वो कंट्रैक्ट एग्रीमेंट वाइड हो जाएगा, जो पैसे उसने लिए हैं वो उसे वापस कर देगा। सिंपल इज दैट। ए एग्रीज टू बाय फ्रॉम बी अ सर्टेन हॉर्स, ए एग्री करता है बी से कि वो उससे कुछ एक खास किस्म का जो उसके पास घोड़ा है वो उससे लेगा। इट टर्न्स आउट दैट द हॉर्स वाज डेड एट द टाइम ऑफ द बार्गेन, जब वो सौदे का वक्त आया तो वो घोड़ा मर चुका था। ठीक है, दो नेदर पार्टी वाज अवेयर ऑफ द फैक्ट, द एग्रीमेंट इज वॉइड। यानी एक ऐसी सिचुएशन जिसमें दोनों पार्टीज अवेयर ऑफ द फैक्ट नहीं है,
यानी उनको कोई पता नहीं कि वो घोड़ा मर जाएगा, वो जहाज तबाह हो जाएगा, उनको मतलब किसी को कोई इलम नहीं होता। तो अगर इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो जाए तो उसका क्या होगा? उसका यह होता है कि फिर वो एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट वाइड हो जाता है। इफेक्ट ऑफ मिस्टेक एज टू लॉ, अगर कोई लॉ की मिस्टेक हो जाए तो उसका क्या इफेक्ट होगा? अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल बिकॉज इट वॉज कॉज्ड बाई द मिस्टेक एज टू एनी लॉ इन्फोर्स इन पाकिस्तान, बट अ मिस्टेक एज टू द लॉ नॉट इन्फोर्स पाकिस्तान हैज द सेम इफेक्ट एज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ए एंड बी मेक द कॉन्ट्रैक्ट एरोनियस बिलीव दैट द पर्टिकुलर डेट इज बॉट बाय द पाकिस्तान लॉ ऑफ लिमिटेशन, द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल। ठीक है, बात की समझ आ गई। वो कह रहा है जी कि मिस्टेक ऑफ लॉ का क्या इफेक्ट होगा? अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल बिकॉज इट वॉज कॉज बाय अ मिस्टेक एज टू एनी लॉ इन्फोर्स इन पाकिस्तान। अगर पाकिस्तानी लॉ में कोई ऐसी, आपके कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसी मिस्टेक ऑफ लॉ हो जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। बट अ मिस्टेक एज टू अ लॉ नॉट इन्फोर्स इन पाकिस्तान हैज द सेम इफेक्ट एज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। यानी कि इसका मतलब यह है, बट अ मिस्टेक एज टू अ लॉ नॉट इन्फोर्स इन पाकिस्तान हैज द सेम इफेक्ट एज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। यानी कि दो पार्टीज अगर कोई मुआहदा करती हैं ये समझ कर कि इस मुतलका मामले के मुतलक एक पाकिस्तान में एक लॉ मौजूद है, अगर वो इस किस्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट आपस में कर लेती हैं हालांकि उस मामले के मुतलक कोई लॉ मौजूद पाकिस्तान में नहीं है, तो इसका क्या इफेक्ट होगा इस एग्रीमेंट का? ये एग्रीमेंट भी वॉइड होगा। ठीक है, वॉइडेबल नहीं होगा बल्कि क्या, इज नॉट वॉइडेबल, ये वॉइडेबल नहीं होगा बल्कि क्या होगा, ये एग्रीमेंट भी वॉइड होगा। मैंने ये बात कैसे की कि आपको ये लाइन आपको दिख रही है कि बट अ मिस्टेक एज टू अ लॉ नॉट इन्फोर्स पाकिस्तान हैज द सेम इफेक्ट एज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट का क्या मिस्टेक ऑफ फैक्ट का क्या इफेक्ट था? एग्रीमेंट इज वॉइड। तो यहां पर भी जो इफेक्ट ऑफ लॉ है, मिस्टेक ऑफ लॉ है, इसका भी इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट भी एग्रीमेंट इज वॉइड होगा। बात की समझ आई? तो दूसरा इसके इलस्ट्रेशन में अगर देखें कि ए एंड बी मेक अ कॉन्ट्रैक्ट ग्राउंडेड ऑन द इरोनियस बिलीफ। इरोनियस बिलीफ क्या होता है? इरोनियस बिलीफ ये होता है कि यानी कि वो ये समझते हैं कैसा है हालांकि ऐसा होता नहीं है। मीन टू से कि मिसकंसेप्शन रिजल्टिंग फ्रॉम इनकोरेक्ट इंफॉर्मेशन, आप इसे कह सकते हैं कि एक मिसकंसेप्शन है, आप ये समझते हैं कैसा है हालांकि ऐसा होता नहीं है। ए एंड बी मेक अ कॉन्ट्रैक्ट ग्राउंडेड ऑन द इरोनियस बिलीफ दैट अ पर्टिकुलर डेट इज बॉर्ड बाय द पाकिस्तान लॉ ऑफ लिमिटेशन। यानी कि वो ये समझते हैं कि लॉ ऑफ लिमिटेशन के तहत ये जो खास किस्म के कर्ज है ये बार बाय लॉ है। कर्ज बार बाय लॉ कब होता है? यानी हर कर्ज को पे करने की एक डेट होती है। अगर कोई शख्स उस मुतलका डेट के अंदर अंदर वो कर्ज पे नहीं करता तो वो कर्ज क्या हो जाता है? बार्ड बाय लॉ हो जाता है। तो बार्ड बाय लॉ, बार्ड का मतलब होता है ममनू, क्लोज, डेट क्लोज हो चुकी है, अब उसको आप उसे पे नहीं कर सकते। अगर ये ए और बी आपस में ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इस गलत मिसकंसेप्शन की वजह से, गलत इंफॉर्मेशन की वजह से कि कोई पर्टिकुलर डेट जो है वो पाकिस्तानी लॉ ऑफ लिमिटेशन के तहत बार्ड हो चुका है, हालांकि वो बार्ड नहीं हो चुका, हालांकि वो कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तानी लॉ ऑफ लिमिटेशन के तहत कोई बार्ड नहीं हो चुका, द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जिस पार्टी के साथ एग्रीड पार्टी है उसके ऑप्शन पर वो वॉइडेबल नहीं होगा बल्कि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। क्यों? कि ये मिस्टेक ऑफ लॉ है। मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट हैज द सेम इफेक्ट इन द लॉ बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट वुड बी वॉइड इन बोथ केसेस। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है जी कि इफेक्ट मिस्टेक ऑफ फैक्ट की सूरत में इफेक्ट ऑफ एग्रीमेंट क्या होगा? वॉइड एग्रीमेंट होगा। और मिस्टेक ऑफ लॉ की सूरत में एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट का क्या इफेक्ट होगा? ये भी क्या होगा? ये भी वॉइड होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉज द मिस्टेक ऑफ वन पार्टी एज टू द मैटर ऑफ फैक्ट। अगर इसमें एक पार्टी की तरफ से कोई मैटर ऑफ फैक्ट की वजह से कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो फिर क्या होगा? अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल मेयरली बिकॉज इट वॉज कॉज बाय वन ऑफ द पार्टी टू इट बीइंग अंडर अ मिस्टेक एज टू द मैटर ऑफ फैक्ट। तो वो वॉइडेबल वो भी नहीं होगा। ठीक है, व्हाट कंसिडरेशंस एंड ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल एंड बट नॉट। कौन से ऐसे मकसद और कंसिडरेशन जो हैं वो लॉफुल होंगी और कौन से ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अनलॉफुल होंगे? द कंसिडरेशन आर द ऑब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट। ऑब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट ये है कि मसलन आप अगर मोबाइल जो है ना, मोबाइल आपसे मैं मोबाइल लेना चाहता हूँ, तो ऑब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट इज मोबाइल।
और कितनी कीमत में लेना चाहता हूँ, दैट इज कंसिडरेशन। मेरे लिए आपके पैसे कंसिडरेशन है और आपके लिए मेरा मोबाइल क्या है कंसिडरेशन है, और कब ये लाफुल होगा और कब फॉरबिडन बाय लॉ होगा। इज ऑफ सच अ नेचर दैट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। अगर प्रोविजन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ लॉ को डिस्टर्ब कर रही है आपका कॉन्ट्रैक्ट, आपकी कंसिडरेशन, आपका ऑब्जेक्ट, दैट इज फॉरबिडन बाय लॉ। इज फ्रॉडुलेंट इन्वॉल्व और इम्प्लाइज इंजरी टू द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। ठीक है, इंजरी क्या होता है, यानी कि आपका इस एग्रीमेंट की वजह से किसी प्रॉपर्टी को, किसी शख्स को कोई नुकसान हो रहा है, द कोर्ट रिगार्ड इट एज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अगर इसको इमोरल या पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ समझा जाता है, इन ईच ऑफ दीज केसेस द कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज सेड टू बी अनलॉफुल। एवरी एग्रीमेंट ऑफ विच द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंसिडरेशन इज अनलॉफुल इज वॉइड। एक ऐसा एग्रीमेंट जिसकी कंसिडरेशन जो ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है वो क्या होगा, वो भी वॉइड ही होगा। He agrees to sell his house to be for 10,000 rupees. ऊपर हमने ये पढ़ा था, ये कॉन्ट्रैक्ट caused by mistake of one party as to the matter of fact. अगर matter of fact एक पार्टी की ब्याह पर हो तो उसका क्या इफेक्ट होगा, वो भी void होगा। वो agreement भी क्या होगा, वो agreement भी void होगा। क्यों? कि जो mistake होती है ना, mistake में आपकी intention नहीं होती अगले को deceive करने की। ठीक है, तो फर्ज किया कि मेरे पास मेरे भाई के दो मोटर बाइक्स खड़े हैं। ठीक है, मेरा भाई फर्ज के फौरन यानी किसी बैरून मुल्क में रह रहा है, वो मुझे कहता है कि फिलहाल जो मोटरसाइकिल है ना आपने वो मेरा बेचना है। ठीक है, तो जिस मोटरसाइकिल की तरफ उसने मुझे इंडिकेट किया था मैंने वो नहीं बेचा, मैंने उसका दूसरा मोटरसाइकिल बेच दिया, तो ये क्या है, ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। ठीक है, अल्टीमेटली क्या होगा, ये भी कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। क्यों? कि इसमें मिस्टेक हो गई है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया है। ठीक है, तो वाइड इस सूरत में होगा कि या तो वो अगली पार्टी जो है वो दूसरा मोटरसाइकिल लेगी या फिर वो मुझे पैसे वापस कर देंगे। ठीक है, अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट एक पार्टी की तरफ से भी हो गया है, मिस्टेक हो गई है ना, तो उसको वापस कर दिया जाता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को वापस कर दिया जाता है। तो ये नहीं होता कि अगली पार्टी ये कहे कि जनाब हमने तो अब पैसे दिए हैं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया तो इसमें हमारा क्या कसूर है, ऐसा नहीं होता। मिस्टेक ऑफ फैक्ट साबित करना पड़ेगा किसको, जो प्लेंटिफ है उसको। तो फ्रॉडुलेंट होगी, उसमें अगेंस्ट लॉ होगी, अगेंस्ट मॉरल कंसिडरेशन होगी या अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी होगी, तो ये क्या है, सारा क्या है, ये सारा कंसिडरेशन या लॉफुल, अगर ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं है तो एग्रीमेंट वाइड होगा। ए एग्रीज टू सेल हिज हाउस टू बी फॉर 10,000 रुपीज, हियर बी प्रॉमिस टू पे द सम ऑफ 10,000 रुपीज इन द कंसिडरेशन ऑफ द ए प्रॉमिस टू सेल द हाउस एंड ए प्रॉमिस टू सेल द हाउस इन द कंसिडरेशन फॉर द बी प्रॉमिस टू पे द लॉफुल कंसिडरेशन। ये क्या है, ये सब लॉफुल कंसिडरेशन। ए प्रॉमिस टू पे बी 1,000 रुपीज एट द एंड ऑफ द सिक्स मंथ इफ सी हु owes that sum to be failed to pay it, B promises to grant time to see accordingly, here the promise to each party is the concession of the promise and the property and their lawful concession. ये भी lawful concession है। The promise for a certain sum paid to him by B and to make good to be the levy of the ship, it is direct on a certain voyage, here A promises the concession for the B's payment and B's payment is the concession for the A promise and these are the lawful concession. ये भी क्या है, ये भी lawful concession है। A promise to maintain B's child and B promise to pay 8,000 rupees yearly for the purpose here, the promise of each party is the concession to the promise, lawful concession, ये भी lawful concession है। मैं आप पढ़ रहा हूँ कि unlawful है ना, आपको example की समझ आए। A, B and C enter into an agreement for the division among them of against again acquired or acquired by them fraud, by fraud, the agreement is void as its object is unlawful. A, B and C enter into an agreement for the division among them of gains acquired are to be acquired by them by fraud, यानी कि A, B और C ने एक एग्रीमेंट किया कि हम जाकर डकैती करते हैं, उन्होंने डकैती की, तीनों ने 3 लाख रुपया लिया, अब उन्होंने करनी है डिवीजन, लाख लाख उनको हिस्सों में आएगा ना, हिस्से में, अब उन्होंने डिवीजन करनी है। तो ये डिवीजन जब करेंगे ना तो ये क्या है, ये एग्रीमेंट उनका है, डिवीजन का जो एग्रीमेंट है ये क्या है, वाइड है। क्यों? कि कंसिडरेशन इज ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट भी अनलॉफुल है और कंसिडरेशन भी अनलॉफुल है। और ए प्रॉमिस टू पे इन फॉर बी एन एम्प्लॉयमेंट इन द पब्लिक सर्विस, ए प्रॉमिस करते बी को कि मुझे आप इतने पैसे दो मैं आपको पब्लिक सर्विस में, गवर्नमेंट सर्विस में एक मुलाजिम भर्ती करवाता हूँ, आपको सरकारी जॉब लेकर देता हूँ, एंड बी प्रॉमिस टू पे 1,000 रुपीज टू ए, द एग्रीमेंट इज वाइड एज अ कंसिडरेशन फॉर द अनलॉफुल। कंसिडरेशन क्या है, कंसिडरेशन अनलॉफुल है। ठीक है, समझ आ गई, सिंपल। आपको यानी कि सिंपल, लॉ इज द नेम ऑफ कॉमन सेंस, लॉ इज द नेम ऑफ कॉमन सेंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वाइड एग्रीमेंट से स्टार्ट करेंगे, तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।